मंदसौर में क्या हुआ, एक मस्जिद के ऊपर पूरे संघ परिवार के लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के आप झंडा लगाते अपना, और दो दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। रेडिकलाइजेशन कौन हो चुका है? रेडिकलाइजेशन मंदसौर में जो ये लोगों ने हरकत की उनका रेडिकलाइजेशन हुआ है मेजोरिटी कम्युनिटी का। इनको डीरेडिकलाइज करने के लिए क्या कर रही है सरकार? डीरेडिकलाइज नहीं कर रहे उनको आप, उनको आप और रेडिकलाइज कर रहे हैं इस तरह के कानून बनाकर, नफरत फैला रहे हैं। मंदसौर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी शिवराज चौहान की सरकार पर आ जाती है, ये शर्मिंदगी की हद है। अफसोसनाक बात है कि एक जुलूस जाता है और मस्जिद के ऊपर जो दिल्ली में हुआ था वो दोबारा हो रहा है यहाँ पर। मस्जिद को तोड़ दिए ना, उसको क्या बोलेंगे? आपको टावर की फिक्र पड़ी हुई है, मस्जिद जो मस्जिद के ऊपर झंडा लगा रहे उसकी बात नहीं करेंगे आप? एक सुनिए और एक मिनट, टावर अगर टावर को बंद कर रहे हैं तो वहां की सरकार को करना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है। सुनिए देखिए, प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक राइट है, प्रोटेस्ट होना चाहिए और प्रोटेस्ट हर रोज होना चाहिए। सुनिए, चाहे प्रोटेस्ट मेरे खिलाफ भी हो, प्रोटेस्ट होना चाहिए। प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं होना चाहिए और ना सरकार स्टेट वायलेंस कराए। व्हाट? अरे यू लिसन टू मी, देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, यू शुड रीड दैट रिपोर्ट। You don't read an Indian Express, you only read one news channel, that is your problem. In Indian Express, it clearly stated that when the person or that lady who was indulging in stone pelting was from a different community, immediately the police went and demolished other house. What is the police doing? Isn't it the responsibility of Madhya Pradesh police that this incident happened over there? And you ask me to condemn this, condemn that. Like, why don't you condemn the Madhya Pradesh Chief Minister government? He should be condemned. It is a BJP government which is indulging in all these violence because they want to ensure that through polarization they want to continue. They have nothing to show to the people of Madhya Pradesh. I condemn. See, I have not used the word Hindu or Muslim. I don't know why Times now using Hindu and Muslim. I don't know why Times now using Hindu and Muslim. No. My friend, are you again? Is Times now against Muslims? Are you? Is Times now only for Hindus? Is Times now not for Muslims? You please tell us, then we'll answer your question. तकलीफ इस बात की है कि ये भारत के संविधान के खिलाफ है। तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को ये संघ परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं संविधान से। अगर संविधान को पढ़ लेते तो उनको मालूम होता कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स हैं। कोई सरकार उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लेते, प्राइवेसी का जजमेंट पढ़ लेते, 377 का जजमेंट पढ़ लेते, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप होते कौन है कि मैं किससे शादी करूं ना करूं? आप उठाकर देख लीजिए, आज हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, दो लड़के और लड़की जो शादी के एज के नहीं थे मगर साथ रहना चाहते थे, कोर्ट ने कहा कि आप रह सकते हैं साथ। आप होते कौन है ये कानून बनाने वाले? अच्छा, अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो क्या इंडिया का सिटीजन नहीं रहता वो? अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है, हिंदू मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करता है, कोई बौद्ध मजहब को अडॉप्ट करता है, तो क्या भारत का सिटीजन नहीं है क्या? क्या कहना चाह रही है सरकार ये? देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में प्रोपोगेशन और कन्वर्जन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो। हमको तकलीफ इसी बात की है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार के संविधान के खिलाफ कानून मान करेगी हम कोर्ट को जाए? सरकार बनाती क्यों संविधान के खिलाफ कानून को? सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि कितने इलाहाबाद हाईकोर्ट में, दूसरे हाईकोर्ट में तो एक के बाद उनके जजमेंट खिलाफ आ रहे हैं उनके ऊपर। कोर्ट को जा सकते क्यों? अरे भाई, कोर्ट को जाने का अख्तियार सबको, तो आप संविधान के खिलाफ कानून बनाएंगे और कोर्ट को जाएंगे? बुनियादी बात यह है कि आपको कोई राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होने का। मैं किससे शादी करूं, मैं क्या खाना खाऊं, मैं क्या कपड़े पहनूं, मैं
अरे आप तो ऐसा कर देंगे फिर तो मैं हिल नहीं सकूंगा। फिर आप कहेंगे नहीं सुबह 3 बजे रात को उठ जाओ, सुबह दोपहर में 1 घंटा सो जाओ और इतना खाना खाओ, ये खाना मत खाओ। अरे आप कौन है भाई? जमहूरियत में मुझे अख्तियार है कि मैं कानून के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। आप मुझ पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि ये किम जोंग की सरकार हो चुकी है क्या? क्या डिक्टेटरशिप है यहां पर? नहीं होगा। हम इसके खिलाफ, एक संविधान के खिलाफ और हर एक को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये जो इतने हजारों की तादाद में जो किसान एहतजाज कर रहे हैं, आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है, देश आपको मानने को तैयार नहीं है। जब आप खुद किसान रह चुके हैं तो राजनाथ सिंह को तो समझना चाहिए था इन बातों को, उनको तो उठकर आगे आकर कहना चाहिए था एमएसपी का आप दे दीजिए ना, एमएसपी आप क्यों नहीं करते अमेंड। अच्छा और एक बात सुनिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट में एमएसपी लिख दिया आपने, आप पढ़े फूड सिक्योरिटी एक्ट? फूड सिक्योरिटी एक्ट में एमएसपी लिखा हुआ, इसमें लिखो ना भाई, क्यों नहीं लिखती आप इसमें? आप उसमें क्यों नहीं लिखते? आप लिख दीजिए ना, खत्म हो जाएगा प्रोटेस्ट पूरा। आप किसान रह चुके हैं और आप किसान की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं आप? ये तो उनके जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं राजनाथ सिंह जी, इस तरह का बयान देकर। हाँ बिल्कुल, सबको दर्द हो रहा ना, दर्द अगर वाकई में दर्द होता है ना तो उसकी दवा खाना पड़ता, आप दवाई नहीं खा रहे दर्द की। दर्द की दवा ये है कि आप एमएसपी लिख दीजिए या फिर आप वो तीनों कानून को वापस लीजिए। देयर इज अ वेरी इजी वे आउट फॉर द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर शुड टेल द नेशन दैट दे आर गोइंग टू अमेंड द लॉ एंड इंक्लूड एमएसपी इन दैट, और द प्राइम मिनिस्टर कैन टेक बैक दोस 3 bills, सिंपल एज दैट। द प्राइम मिनिस्टर इज विलिंग टू स्पीक टू फार्मर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फार्मर्स ऑफ इवेंट एंड मेट, द फार्मर्स इन गुजरात। वाई कांट द प्राइम मिनिस्टर टेक दिस सिंपल मेजर ऑफ एश्योरिंग द नेशन दैट वी विल अमेंड द एक्ट एंड इनकॉर्पोरेट दैट एमएसपी विल बी गिवन, और दे कैन ईजिली टेक बैक दोस बिल्स? इट इज नॉट एन ईगो इशू, दीज आर आर फार्मर्स एंड दे आर दे हैव बीन डूइंग प्रोटेस्ट इन थाउजेंड्स ओवर देयर। They are doing, thousands of farmers are doing a peaceful protest. We must stand with them. We must understand that their demands are genuine. It is in the national interest that the Modi government should accept their demands. Center has been saying that this farm bill will benefit them. We also saw Prime Minister addressing the farmers. It is not going to benefit, because if you don't have MSP, it will not benefit those farmers. There is a consensus among all the farmers throughout the country that these 3 bills are unconstitutional. Number 2, the government has unnecessarily interfered in the state subject, because agriculture is a state subject. And thirdly, this so-called propaganda of the ruling party that will benefit the farmers, it will not benefit the farmers in the long run. It will destroy the farmers. It will have a negative impact on our agriculture output.